स्केलिंग जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, हम क्या बोले हैं, फुल स्केलिंग और दूसरा होता है आपका कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. जनरली हम लोग का जो यूज होता है दैट इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. मेजोरिटी ऑफ द पर्पस 18% स्केलिंग वी यूज कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. क्यों हम लोग यूज कर प्रेफर करते हैं कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग को ओवर फुल स्केलिंग? देखिए बेसिकली जो अच्छा होता है, जो उसका डिसएडवांटेज कम होता है, वो होता है आपके फुल स्केलिंग में. बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग न्यूमरस ऑफ डिसएडवांटेज वी यूज कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग में हम क्या करते हैं, सभी जो मेरा पैरामीटर्स है, जितना भी पैरामीटर्स है, ये जो सारा सब कुछ है, ऑल द थिंग्स विल बी गेट डिमिनिश्ड और स्केल्ड बाय द फैक्टर ऑफ एस एक्सेप्ट द पावर सप्लाई एंड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ये जो दो चीज है इन केस ऑफ, दिस इज फॉर फुल स्केलिंग. आई एम मेकिंग अ कॉलम ओवर हियर ओनली एंड दिस इज फॉर कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग में ये जो हो, दिस विल बी सेम लाइक दिस, दिस विल बी सेम लाइक दिस. यहां पे क्या हो जाएगा, इट विल रिमेन सेम, थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेम एंड दिस विल बी सेम. डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अगेन विल बी गेट मल्टीप्लाइड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम लोग स्केलिंग नहीं करते. सिर्फ ये दोनों नहीं, जितना भी अदर आपका वोल्टेज सोर्स है, जैसे मानिए मॉस्फेट के लिए आपका होता है वीडीजी, ड्रेन टू गेट वोल्टेज, फिर होता है आपका वीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज. जितना भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा सर्किट में, किसी वोल्टेज को हम लोग स्केलिंग नहीं करेंगे. एक चीज जान जाओ, जब वोल्टेज को हम लोग स्केलिंग करते हैं, जैसे मानो कि कोई एक मेरा डिवाइस है, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो काम करता है 5 वोल्ट पावर सप्लाई में, ठीक है. माने आप वोल्टेज को स्केल कर दिए बाय द फैक्टर ऑफ एस. अब स्केल इसको वोल्टेज को करोगे तो दिस विल बिकम डिक्रीज्ड. 5 वोल्टेज से कुछ भी हो, एस का वैल्यू 5 से कम ही होगा. 5 से अगर वोल्टेज मेरा कम हो जा रहा है, दैट विल इफेक्ट द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस. इसका जो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायरमेंट है एक डिवाइस को चलाने के लिए, अगर स्केलिंग की वजह से वो वोल्टेज में इफेक्ट हो जाता है, वो दैट वोल्टेज गेट अफेक्टेड, सो दैट अफेक्ट विल प्रिवेल्ड और it will make a disturbance in the working function of a particular device. So to overcome this thing, we need the constant voltage scaling. जहाँ पे voltage को हम लोग constant रखे, बाकी सब कुछ scaling करते हैं. Voltage को constant रखने से क्या फायदा होता है कि कोई जब आपका एक electronics device का एक minimum threshold voltage रहता है कि इसी voltage पे ये काम करेगा. So that, keeping that voltage constant or maintaining that particular voltage, the working functionability of a device will get unaffected, right? The next thing what I will tell you, so ma'am, full scale का कहीं use नहीं करते हैं? देखिए पहले full scaling ही use होता था. ये तो technology है ना, धीरे धीरे evolve होता जा रहा है. पहले full scaling होता था, उसके बाद हम लोग क्या देखे कि उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट हम क्या किए, नेक्स्ट वोल्टेज को स्केलिंग करना बंद कर दिए एक टाइम के बाद. अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो स्केलिंग होता है दैट कंटिन्यूड विद द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग पार्ट, राइट. होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे जैसे दिन जाता है हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके आगे बढ़ते हैं. यस मैम, same thing will happen when I will come to this small geometric effect. You can see nowadays with the constant voltage scaling, this small geometric effects also get introduced to eliminate the problem which was arised in case of constant voltage scaling. Constant voltage scaling mein kya kya disadvantage hai wo bhi aapko hum batate hain. Usse pehle ek cheez aap dekh lo ke ye jo koi bhi ek MOSFET ka jo scaling karte hain, keeping in mind the aspect ratio.
व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? इट इज डब्ल्यू बाय एल. डब्ल्यू इज द विड्थ एंड एल इज द लेंथ. दिस रेशियो इज कॉल्ड द एस्पेक्ट रेशियो. आप कुछ भी स्केलिंग कर रहे हैं, हम सेम स्केलिंग फैक्टर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे इसके आप सेम ए से डिवाइड करो, इसको हम सेम ए से डिवाइड करो, दिस विल गेट एलिमिनेटेड. मीन्स योर एस्पेक्ट रेशियो इज मेंटेन. टू मेंटेन अ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो वी यूज अ अनचेंज्ड एस फैक्टर. दिस इज द रीजन ऑफ यूजिंग अ अनचेंज्ड एस फैक्टर, राइट? सो what will become in case of power dissipation? Power dissipation, we know P equal to IV. Here my P will be ID. This is your drain current. In previous class, I have already told you the main current which passes through the MOSFET is the ID, that is your drain current, into VDS. That is your drain to source voltage. So now what will happen? ID will be by S. Again, your VDS will be by S. So it will become 1 by S square into ID into VDS. So aapka jo power dissipation hai, that will be scaled by S square. What you will get from here, area is scaled by S square and the power dissipation is also scaled by S square. Right? And the second thing you need to know about this voltage scaling technique, constant voltage scaling mein kya hota hai? I've already told you that the voltage is not scaled and other dimensions associated rather than voltage is scaled. Right? एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या होता है, पावर डेंसिटी इंक्रीज होता है. इसका मेन प्रॉब्लम है करंट डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी इज गेट इंक्रीज्ड क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाई पावर डिसिपेशन. प्रॉब्लम क्या होता है वोल्टेज स्केलिंग में, उसका साइज कम हो रहा है, एरिया उसका कम हो रहा है. तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि देयर नो एनर्जी इज गेट एलिमिनेटेड, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. एरिया उसका कम हो रहा है तो सर्किट का पावर जनरेशन तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि हम वोल्टेज को स्केलिंग नहीं कर रहे हैं. वोल्टेज इज नॉट स्केल बिकॉज पी इज इक्वल टू आई वी. वी इज नॉट स्केल, वी हम कम नहीं कर रहे हैं, एरिया कम होता जा रहा है. तो बाकी क्या होगा, द पावर विल बी डिसिपेटेड, मोर पावर विल बी डिसिपेटेड इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग. सो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, एज द मोर पावर डिसिपेशन विल ऑकर, द करेंट डेंसिटी एंड द पावर डेंसिटी विल गेट इंक्रीज्ड. सो दीज आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग a voltage scaling technique which is further get eliminated by the usage of small geometry effect. So, do aur do equation hai wo aap thoda yaad rakhiyega. First one is your linear mode drain current and second one is your saturation mode drain current. MOSFET में आपको हम बताए थे, एक होता है linear phase. Linear phase में क्या होता है, जब आपका ID without getting any interruption it travels through the channel. और सैचुरेशन मोड क्या होता है, धीरे धीरे जब उसका रिवर्स बायसिंग के वजह से एक पार्ट पे पिंच ऑफ सिचुएशन आ जाता है, वो सैचुरेट करंट सैचुरेटेड होता जाता था. मींस वो करंट फ्लो नहीं हो पाता था उसके चैनल के थ्रू बिकॉज ऑफ द पिंच ऑफ कंडीशन. सो दिस आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्रेन करंट, वन इज अ लीनियर मोड ड्रेन करंट एंड द सेकेंड वन इज अ सैचुरेशन मोड ड्रेन करंट. लीनियर इन केस ऑफ लीनियर मोड ड्रेन करंट, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलिंग हैज बीन डन, उसका करंट को क्या, करंट पे क्या इफेक्ट आ जाता है, द आईडी डैश्ड लीनियर विल बिकम के एन बाय टू, टू इनटू वीजीएस माइनस वीटी, ऑल आर डैश्ड बिकॉज ऑल हैज बीन स्केल्ड, इनटू वीडीएस डैश्ड माइनस
VDS square. So what it will become? VGS by 2 minus VT dashed by 2 into VDS dashed by, S minus VDS square by S by. Now what will happen? Isko agar this ID also become by S, ID ko bhi hum S se scaling karenge. So what the final outcome will become? My ID linear will become by S will become S into KN dash. S square ko hum bahar la rahe hai. Into 2 into VGS minus VT into VDS minus VDS square. Volt, jitna sara, this is for full scaling. All the parameters will get scaled by S. And in case of saturation current, what it will become? I am writing the final condition over here. ID by S will become KN dashed by 2 VGS dashed minus VT whole square. This will become S into KN by 2 into 1 by S square VGS minus VT whole square. So what is this KN? KN is nothing but W by L, which is your aspect ratio. So the effect on your current will fall like this. Your current will become also scaled, as because the whole scaling has been done, it will obvious that it will keep its effect on the scaling factor of the current also. And the major current or the important current, that is the main functionality that depends on the ID, that is your drain current. Anyone have any doubt regarding this scaling thing? Scaling of MOSFET? You can tell me. Isko kuch bhi puchna hai to puch sakte ho. Ma'am, ye current equation mein. Ab iska derivation puch rahe ho kya? Yes, ma'am. Achha, theek hai. Iska derivation aapke next class mein hum kara denge. Because it's already 350, it will take time. So iska derivation hum log Monday ke class mein karke aage badhenge. Yes, ma'am. Okay. So I'm stopping this class over here. Except this, anyone have any doubt why the scaling has been done? What are the things has been scaled? Kisi ko kuch puchna hai? No, ma'am. Okay, fine. Ma'am, Google Classroom mein upload kar dijiyega na. Haan, bilkul, hum kar denge, aaj hi kar denge. ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम.